हेलो एवरीवन, वेलकम इन द लेक्चर 16 ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है प्रोजेक्ट इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। सीपीएम के ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया है और आपने सीपीएम को पढ़ भी लिया ठीक से, क्रिटिकल पाथ मेथड जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आज जो हम क्रिटिकल पाथ निकालना है वो है पर्ट के लिए, कि पर्ट के लिए आप जो वेरिएशन बेस्ड होता है उसके लिए आप क्रिटिकल पाथ कैसे कैलकुलेट करते हो। तो पर्ट का फुल फॉर्म जो है वो है प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक पर्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव इन द एनालिसिस थ्रू पर्ट इज टू फाइंड आउट द कंप्लीशन ऑफ फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट विद इन स्पेसिफाइड डेट। द पर्ट अप्रोच टेक इनटू अकाउंट द अनसर्टेनिटी। द थ्री टाइम वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद ईच एक्टिविटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये है, जैसे आप किसी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स वगैरह में या किसी रिसर्च लैब में जो हम टाइम इवेल्यूएट करते हैं, किसी भी आप वैक्सीन की बात कर लो, वैक्सीन को कि वैक्सीन एक टाइम तक कब तक डेवलप हो जाएगी, तो उसके लिए जो आप फॉलो करते हो पाथ को, जो आप प्रोसेस हमें फॉलो करते हो वो होता है पर्ट। तो पर्ट को आप हमें फॉलो करते हो। तो पर्ट के कुछ टर्म्स हैं, उसको हम पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। इट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड। इट एज्यूम दैट एवरी थिंग गोज वेरी वेल। दिस इज डिनोटेड बाई टी इज नॉट, टी इज जीरो। ओके, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम। इट इज द एस्टिमेट ऑफ द नॉर्मल टाइम द एक्टिविटी वुड टेक। दिस एज्यूम नॉर्मल डिले। इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड इन द टाइम ऑफ कंप्लीशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लीशन in that time period, then most likely time will represent the highest frequency of occurrence. This is denoted by TM, most likely time TM. Optimistic time T node. Pessimistic time. It represents the longest time the activity could take if everything goes wrong. और जो भी आपके test हैं या जो भी आपके trial वगैरह हैं वो सब wrong हो रहे हैं, यानी कि वो as per एडिक्वेट जो आपको रिजल्ट चाहिए थे वो प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तो उसमें आप एस्टिमेटिक टाइम भी प्रोवाइड करते हो। तो तीन तरीके के टाइम लगते हैं किसी भी एक्टिविटी में। तो फर्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमेटिक टाइम। ओके, एज इन ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट दिस वैल्यू मे बी सच दैट ओनली 1 in 100 और 1 in 20 विल टेक टाइम लॉन्गर देन दिस वैल्यू। दिस इज डिनोटेड बाई टी पी। ओके, इन पर्ट कैलकुलेशन ऑल वैल्यूज आर यूज टू ऑब्टेन द परसेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड टाइम, इट इज द एवरेज टाइम एन एक्टिविटी विल टेक इफ इट वर टू बी रिपीटेड ऑन लार्ज नंबर of times and is based on assumption that the activity time follow beta distribution. This is given by T e equal to T node plus 4 TM plus T p divided by 6. ये formula है expected time calculate करने के लिए। The variance for the activity is given by, variance निकालना है तो sigma square equal to T p minus T node divided by 6 the whole square. ओके, ये आपको फॉर्मूले कुछ याद करने पड़ेंगे। तो इसका एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, एक वर्क एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपको नेटवर्क दे रखा है। ओके, टास्क ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, लास्ट लीस्ट टाइम दे रखा है 4582468536। ग्रेटेस्ट टाइम भी ऑलरेडी दे रखा है 8, 10, 12, 7, 10, 15, 16, 9, 7, 11, 13। मोस्ट लाइकली टाइम भी गिवन है 5, 7, 11, 3, 7, 9, 12, 6, 5, 8, 9। ओके, ये कह रहा है फाइंड द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम टू ईच इवेंट एंड ऑल्सो क्रिटिकल पाथ इन नेटवर्क। आपको अर्लीस्ट और लेटेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करना है ईच इवेंट के लिए और क्रिटिकल पाथ भी कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ऐसा एक बना देंगे टेबल। फर्स्ट होगा टास्क, फिर होगा लीस्ट टाइम, फिर होगा ग्रेटेस्ट टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड एक्सपेक्टेड टाइम। तो ये वैल्यू आप पुट कर लोगे, ये आपके पास वैल्यू पहले से गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला टी नोट प्लस टी पी प्लस 4 TM डिवाइड बाई 6,
तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे इजिली, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे अब नेक्स्ट है टास्क एक्सपेक्टेड टाइम टी स्टार्ट अर्लियर स्टार्ट लेटेस्ट स्टार्ट फिनिश अर्लियर फिनिश लेटेस्ट फिनिश एंड टोटल फ्लोट आप निकाल लोगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आपने टास्क ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल पूरा लिख दिया है, ओके, एक्सपेक्टेड टाइम आपने पूरा कैलकुलेट करके लिख दिया है, और आपने इस नेटवर्क डायग्राम में एक्सपेक्टेड टाइम जो होगा इसका टी ई ये वाला पोर्शन ये आपने लिख लिया सबके लिए, ओके, ये वाला पोर्शन आपने निकाल लिया 5.33 223 10.67 सी के लिए, यानी कि सी के लिए 10.67, इसको देख दोबारा देख लेते हैं, इसको सी के लिए 10.67 आपने निकाल लिया है, ए के लिए 5.33 निकाल लिया, बी के लिए 7.17 बी के लिए 7.17 ओके, डी के लिए 3.5 डी के लिए 3.5 ये वैल्यू है जो आपने निकाली है, अभी कौन सी वैल्यू है एक्सपेक्टेड टाइम आपको निकालना है, अर्लियर स्टार्ट लेटेस्ट स्टार्ट अर्लियर फिनिश लेटेस्ट फिनिश टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ई वन आपका जिसे बोलते हैं हम ई आई, ई इनिशियल जिसे बोलते हैं, एल इनिशियल जिसे बोलते हैं, तो ई वन एल वन तो दोनों ही 00 होंगे, क्योंकि यहां से आप इवेंट स्टार्ट कर रहे हो, आप एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो, और इसका 1 2 एक्टिविटी ए के लिए जो 2 इवेंट के लिए ई टू कितना होगा, ई टू कितना होगा 5.33 प्लस 0 ये आ गया 5.33 ओके। यहां पे ई थ्री कितना होगा 5.33 प्लस 10.67 तो यहां पे कितना आएगा 16 ई थ्री आ गया। ई फोर कैसे आएगा 3.5 क्योंकि ई फोर पे देखो आप कौन सा एरो है, ई फोर पे जो एरो है 1 से आ रहा है ओके, तो ई फोर जैसे आपने लास्ट टाइम किया था वैसे ही यहां पे करना है, बहुत सिंपल है। ई फोर कैसे आएगा ई वन प्लस 3.5 तो 3.5 आ गया। ई फाइव कैसे आएगा, ई फाइव के लिए आप यहां से भी देखिएगा और यहां से भी देखिएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आप यहां पे लिख लोगे ओके। उसमें क्या देखते हैं, जब आप L यहाँ पे जब आप लास्ट में आ गए E8 और L8 में, तो ये दोनों ही इक्वल हो गए 38.5 और ये हो गया 38.5। अब यहाँ से आप माइनस करते हुए चलो, L आपको L7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो L8 माइनस 9.17 तो वैल्यू कितने के 29.33 38.8 माइनस 8 तो कितना आ गया 30.5। तो L के लिए जो हो गई वैल्यू वो आप लास्ट से यानी कि अपने राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे, और ई के लिए अपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे ऐड करते हुए। तो ऐसे ही आप सारी वैल्यूज निकाल लोगे, ई वन ई टू ई एल टू ई टू एल टू ई थ्री एल थ्री ई फाइव एल फाइव ई सेवन एल सेवन ओके ई एट एल एट सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली, और उन वैल्यूज को आपने यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर लिया है। ये ओके, आपने वैल्यूज यहां पे लिखने स्टार्ट कर लिए। तो अब क्या करना है आपको, आप जैसे इवेंट ए की अगर हम बात करें, तो इवेंट ए के लिए ओके, इवेंट ए के लिए एक्सपेक्टेड टाइम यहां ऑलरेडी आपने कैलकुलेट करा हुआ है, अर्लीस्ट टाइम की बात करा ये कर रहा है ई आई एल आई की ओके, इसका मतलब है ई जे एल जे की बात कर रहे हैं। तो ई आई एक्टिविटी ए के लिए ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही ई आई और एल आई है, और ये दोनों ही एक्टिविटी ई ए के लिए ई जे और एल जे हैं। तो अर्लीस्ट वाले टाइम में आप दोनों, स्टार्ट वाले टाइम में आप इन दोनों को पुट करोगे, और फिनिश वाले टाइम पे आप इन दोनों को पुट करोगे। तो इस एक्टिविटी ए का जो अर्लीस्ट वाला है पार्ट ये है, फिनिश वाला पार्ट ये है। तो ऐसे ही आपको सारी एक्टिविटी के लिए करना है। तो आप सारी वैल्यूज देखो, अर्लीस्ट स्टार्ट लेटेस्ट स्टार्ट, तो एक्टिविटी ए जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, फिनिश पॉइंट यहाँ पे, सी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है,
फिनिश्ड पॉइंट ये है, बी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फिनिश्ड पॉइंट ये है, ई का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला होगा, फिनिश्ड पॉइंट ये वाला होगा, ऐसे एच के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये फिनिश्ड पॉइंट होगा। तो स्टार्टिंग वाली जो वैल्यूज होगी वो सारी वैल्यूज आप ई आई और एल आई पुट करोगे, और फिनिश्ड वाली वैल्यू जो होगी वो होगा ई जे और एल जे। तो ऐसे ही वैल्यूज पुट करने के बाद आप सारी वैल्यूज यहां पर लिख दोगे, ओके। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो आपको इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ये वाला डिफरेंस, और इसको आप लिखोगे फ्लोट में, ओके। यानी कि जहां पे भी इन दोनों फिनिश वाले पॉइंट में जहां पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी, ऊपर नीचे कोई वैल्यूज होगी, वहां पे इसका फ्लोट ये दिखा दे कि कितना यहाँ पे सैगिंग आ रहा है, ओके। तो ऐसे निकालने के बाद जिनका जिस टाइम पे जिन जिन वैल्यूज़ के बीच में ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो डिफरेंस आ रहा हो, जिनका स्टार्टिंग टाइम और फिनिश टाइम जिसका एक्यूरेट हो, तो वो जो पाथ होगा वो उसका होगा क्रिटिकल पाथ, ओके। इसको अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए स्टार्टिंग वाला पोर्शन ये रहा, इसका जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है, इनका डिफरेंस ज़ीरो है, यहाँ पे भी डिफरेंस ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम इस तरह चले गए, ये हो गया, यहाँ पे अगेन डिफरेंस ज़ीरो है, तो ये वाला पाथ हमने फॉलो किया, अगेन यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया ज़ीरो है, ये वाला पाथ हमने फॉलो किया, यहाँ पे डिफरेंस ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस ज़ीरो नहीं है, और ये डिफरेंस अगेन ज़ीरो ही वाला पाथ हमने फॉलो किया। तो ये वाला पोर्शन जो एक्टिविटी ए सी ई एच और के, ए सी ई एच के, ये वाला पाथ जो होगा वो है क्रिटिकल पाथ फॉर पर्ट, ओके। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करने सारे न्यूमेरिकल, यहाँ पे देखो देखो ए सी ई एच के, ये वाला पाथ जो होगा वो क्रिटिकल पाथ है, ओके, समझ में आपको आ गया होगा। तो ऐसे ही आपको सीपीएम के भी और पर्ट के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने, ओके, थैंक यू।